व्हाट? क्या हो गया, इतने एटीट्यूड में क्यों हो तुम? देखो यार शिष्टी, मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा चल, ऐसे क्या कर रहे हो जो तुम्हारे पास वक्त नहीं है? किसमें इतना बिजी हो? ये मेरा जिमिंग टाइम है। यू जिमिंग इन कपड़ों में? ये जो तुम मेरा मजाक उड़ाती हो ना, इसे मेरा मन नहीं करता तुमसे बात करने का। बाय। अच्छा चल, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगी पक्का। हाँ छोड़ो मेरा। ओके फाइन सड़ू, बहुत अकड़ दिखा रहे हो ना अपनी। हेलो सड़ू, मैं नहीं सड़ू, तुम हो जो हर वक्त मुझसे लड़ाई करती रहती हो और बिना वजह मेरी इंसल्ट कर देती हो। अरे क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मतलब मुझमें कोई अच्छा ही नहीं है क्या? आई एम अ बैड गर्ल क्या? उफ, शायद इसे बुरा लगा होगा। नहीं, तुम इतनी बैड नहीं हो कि लोग सीरियसली हर्ट हो जाए। एक्चुअली तुम थोड़ी सी बैड हो, इनफैक्ट तुम बैड से ज्यादा मैड हो। तो बिना बात पे कुछ भी बोलती रहती और ये नहीं सोचती कि तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। तुम्हें पता है एक बात है जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। वो क्या? यही कि तुम है ना, कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। थैंक यू, बट मैं क्यूट से ज्यादा ना हॉट हूँ, माचो हूँ। बॉडी देखिए मेरी, बाइसेप्स देखिए मेरे। बाइसेप्स? वैसे बाइसेप्स तो कोई भी बना लेता है, दवाई शवाई खाकर लोग अपनी बॉडी छोड़ी बना लेते हैं, इसमें तुम क्यों इतना अकड़ रहे हो? हेलो, ये दवाई खाके नहीं बनी, ये मेरी मेहनत से बॉडी बनी है। वेट लिफ्टिंग करता हूँ मैं। कितना वेट उठा लेते हो? आधा किलो या एक किलो? मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी अपनी जिंदगी में वेट लिफ्टिंग की होगी। तुम्हें क्या पता, बहुत वेट लिफ्टिंग किया मैंने। रियली? मेरे जितना वजन तो उठा नहीं सकते तुम, है ना? एम आई राइट? ओह गॉड, मैं क्यों इस सिरफिरी के मुंह लग रहा हूँ? वैसे बोलने के लिए तुम तो कुछ भी बोल सकते हो कि मैं 200 किलो उठाता हूँ, 500 किलो उठाता हूँ, लेकिन क्या तुमने असल में ये सब उठाया है? और तुम क्या मुझे उठाओगे शॉर्टी? तुम तो सिर्फ बोल बच्चन हो कि मैं जिमिंग करता हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। उसको हो तुमसे ना हो पाएगा। के लिए तो कोई भी उठा सकता है। अच्छा? मैं तुम्हें बहुत देर तक उठा सकता हूँ। Oh, really? Yeah. देखते हैं। ना 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 पा 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 पा। हिल क्यों रही हो? अरे मैं तो तुम्हारी ताकत आजमा रही हूँ। तुमने तो कहा था कि आई एम अ माचो मैन। अच्छा? हाँ। ना 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 ना। You lost and I won. मैं जीती। समीर। जी भैया। क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? भैया मैं वो जिमिंग की तैयारी कर रहा था। ये कपड़े पहन के? तुम सारा दिन जिम के पीछे ही पड़े रहते हो। जाओ जाकर ऊपर देखो, चांद निकला है, सारी लेडीज बेचारी भूखी बैठी हैं। हाँ जी भैया। क्विकली देखकर नीचे बता देना। जोर से लगा मुझे, इसकी तो आज मैं अच्छे से क्लास लूंगी। अंडर कहीं का शॉटी, क्या तुम्हें पता है कि ऋषभ जी ने तुम्हें यहां चांद पर नजर रखने को क्यों कहा है? फिर से शुरू हो गई इसकी पकपक। क्या हो गया, मुझसे बात नहीं करनी? ठीक है बात करो, मैं जा रही हूँ। हाँ ये जो तुमने अभी अभी कहा ना, कम से कम इसे तो सच करके दिखाओ। जाओ। अरे देख क्या रही हो, जाओ जाओ। यार तुम इतने रूडली क्यों बिहेव करते हो यार मेरे साथ? मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ यार। आई मीन अच्छा वाला दोस्त नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारे बीच में फ्रेंडशिप तो है ही ना। एक मिनट, ये अचानक से तुम्हारी तीखी कड़वी जबान इतनी मीठी कैसे हो गई? हाँ आप कौन सी नई चाल चल रही हो मेरे साथ? अरे नहीं रे शॉर्टी, कोई चाल वाल नहीं है। सच पूछो तो अभी 2 मिनट पहले ना मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी कि उस नफरत की सीमा नहीं थी, लेकिन पता नहीं अचानक से मैं जब ऊपर आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि ये हमेशा लड़ते रहना ये थोड़ी अच्छी बात होती है। इट्स नॉट गुड एट ऑल यू नो। और वैसे भी ये लड़ झगड़ कर किसका भला हुआ है? हा? तुम ना शिष्टी किसी हलवाई की दुकान पर जाके जलेबियां तलो, जब देखो हर बात को गोल गोल घुमाकर बोलती रहती हो। अरे सीधे सीधे बोलो ना ताकि दूसरे को समझ आ सके। ओके फाइन, क्या तुमने वो मूवी देखी है हम आपके हैं कौन? यासो। तो ये समझ लो कि बहुत जल्द वैसा ही कुछ सेम टू सेम हमारी लाइफ में भी होने वाला है। मुझे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं।
क्या ये खुद को माधुरी दीक्षित और मुझे सलमान खान समझ रही है? बहुत जल्द मेरी बहन इसकी भाभी बन जाएगी। रिश्तेदारी होगी तो रिस्पेक्ट से पेश आना पड़ेगा ना। आखिर ये मेरी दी का ससुराल होगा, ये लड़ने झगड़ने की आदत पर फुल स्टॉप लगाना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने बाइसेप्स को क्यों चेकआउट कर रहे हो? अरे तुमने तो कहा था कि मैं सलमान भाई की तरह दिखता हूँ। वो हम आपके हैं कौन वाला सलमान खान? एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक यू। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन नॉट बी माय माधुरी, सॉरी। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसने ये बोल दिया कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है? अरे इतनी जल्दी भूल गई? अभी अभी तो तुमने कहा था कि उस फिल्म का ड्रामा हम दोनों के बीच में होने वाला है। अरे यार, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे दिमाग में अकल की कितनी ज्यादा शॉर्टेज है, मैं भी ना तुमसे ही बातें करते रहती हूँ। सृष्टि सृष्टि, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि इसके ऊपर का माला बिल्कुल खाली खाली। तो तुम्हारा मतलब क्या था कि हम दोनों के बीच में हम आपके है कौन होने वाला है? व्हाट? अरे मंद बुद्धि माधुरी, मैं माधुरी की बहन की। तुम लड़कियां भी ना गॉसिप करती हो। समीर भाई, सृष्टि, आप लोग क्या क्या कर रहे हो? और ऋषभ भैया ने मुझे कहा था चांद पर नजर रखने के लिए, और जैसे ही चांद निकले मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं। But since both you girls are here now, I shall make a move. But तुम ना इसे बच के रहना, ये बिल्कुल पागल है। इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में आना चाहिए। कृतिका, तुम्हारा ये जो भाई है ना, ये मुझसे बड़ा ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन नहीं, ड्रामा किंग है, किंग। Really? तुम लोग भी ना। सृष्टि, सबको बताना तो पड़ेगा। हाँ? मैं काम करती हूँ, जाती हूँ, सबको बताती हूँ। स्पेशली शोरिन, उसकी तबीयत खराब है, अपने रूम में बैठी है बेचारी। फास्ट तो खोल पाएगी अपना। ओके ओके गर्ल्स, अपनी थाली रेडी रखना, मैं सबको बता के आती हूँ। बाय। मुझे जब तक यकीन नहीं हो जाएगा ना कि प्रीता और करण के बीच में कुछ, मेरा मतलब है जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी, अपने कानों से नहीं सुनूंगी ना, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि दोनों के बीच में कुछ। अरे अभी क्या बोले जा रहे हो मम्मा यार? अरे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है सरला? कैसी बातें कर रहे हो आप? तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्यार करने वाले कोई प्यार नहीं, गुनाह कर रहे हो। गुनाह नहीं किया है उन्होंने, लेकिन ऐसे कैसे मैं उन दोनों से जाकर, मतलब कम से कम आंखों से कुछ देखूं, कानों से कुछ सुनूं, तब तो जाकर बात करूं। और अगर मैंने उनसे पूछ भी लिया और उन्होंने मना कर दिया तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और वैसे भी मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, ये भी तो हो सकता है ना कि हमें गलत फहमी हो रही है। अरे मामा, आप खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा ना आपको कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उनका लव सीन, जब करण सर प्रीता दी को और प्रीता दी करण सर को। आगे बोल। चुप कर। और सृष्टि, बड़ी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते, कुछ तो शर्म किया कर। लेकिन बेटा, हमारी प्रीता ऐसी नहीं है। क्या दादू, अभी आप भी शुरू हो गए? मतलब सच बोलना बेशरम होना बन गया क्या? और प्लीज, आप लोग है ना दोनों दादू मामा, आप लोग है ना बाबा आदम खा के जमानों के जो बूढ़े नहीं होते, वैसे बिहेव करना बंद कर दो प्लीज। लो जी, कर लो गल। आपने सुना नहीं था वो मिसेस बत्रा की कुड़ी, उसका पांचवे गली के मुंडे के साथ चक्कर था कि नहीं? हा? उन्हें कभी शक हुआ? जब ऊंच नीच होगी उन्हें तब पता चला था। देखो जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये प्यार की बला ना है ही ऐसी चीज, ये सबको पागल कर देता। बंदा ना आउट हो जाता है, वो कमला हो जाता है, उसको अपना होश नहीं रहता, वो कोई भी गलत काम आसानी से कर लेता है, यानी कि हो सकता भाग ही जाए। सृष्टि, तो एक काम कर, प्रीता को फोन लगा और उसको बोल दे अगर उसका ऐसा इरादा हो कि घर से भाग के शादी करनी है तो सीधी कोर्ट पहुंच जाए, मैं वहां आके साइन कर दूंगी एज ए विटनेस। दादू और पुत्र, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, तो जब वो जा रहे हो ना तो मुझे जरूर बताना, जब मैं उनके लिए ना बढ़िया बढ़िया खाने बना के भेजूंगी। सही है। आप लोग क्यों ऐसे बात कर रहे हो? क्यों ऐसे बात कर रहे हो कि प्रीता करण के साथ भाग जाएगी, कोर्ट में शादी करनी पड़ेगी? मुझे नहीं करनी है ऐसे शादी, मुझे भी रीति रिवाज से शादी करनी, अपनी बच्ची की प्यार से शादी करनी, उसकी अच्छी सी विदाई करनी। और वैसे भी अगर प्रीता को करण पसंद है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे भी तो करण पसंद है। देखो ना दादू, छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देती है मम्मा। सरला, आज का दिन ना बड़ा ही शुभ है, करवा चौथ है, तू एक काम कर, लूथरा के घर चली जा हैं, और राखी जी से प्रीता की बात कर। हाँ पीजी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा,
मैं ना अब भी लूथरस के यहाँ चली जाती हूँ और राखी जी से प्रीता और करण की शादी की बात कर लेती हूँ। प्लीज 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 मैं भी आती हूँ ना, प्लीज मुझे भी ले चलो ना साथ में। तू बिल्कुल नहीं आएगी, तुझे तो अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं है। वहाँ कुछ भी बोलूंगी ना तो तू बात बिगाड़ भी सकती है। मैं नहीं तुझे ले जाऊँ। आज मेरी माँ का ममता भरा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? अरे मैंने ऐसे क्या गलती की थी जिसके आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो अपने साथ? अगर आपने आज मुझे नहीं ले गया ना मॉम, तो मैं इन्हीं दीवारों पे अपना सर पटक पटक के खून बहा दूंगी। और इतना ध्यान रखना कि मेरे लहू का रंग और तेरे खून का रंग सेम सेम है। बस बस बस, कितनी नौटंकी करती है बीजी, कितनी नौटंकी करती है। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ, लेकिन हाँ तू वहाँ पे अपना मुंह जो है ना वो एकदम सिल के रखेगी। जो बोलना है वो मैं बोलूंगी, तू बिल्कुल चुप रहे। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। ठीक है, मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी। मैं सलमान खान थोड़ी ना हूँ, जो कमेंट किया तो अपने आप की भी नहीं सुनूंगी।